लखनऊ की अपर आयकर आयुक्त ऋचा रस्तोगी की अध्यक्षता में जनपद के आयकर अधिकारियों की बैठक सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में लखनऊ रेंज की अपर आयकर आयुक्त ऋचा रस्तोगी ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा आयकर छूट का दावा करने वाली संस्था और शैक्षिक संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आयकर छूट से संबंधित प्रमाण पत्र 12A व 80G के प्रावधानों में से अमूल परिवर्तन किए गए हैं। वह सभी शैक्षणिक संस्थाएं जो 1 अप्रैल 2021 के पहले से ही आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन सब के लिए भी नई व्यवस्था में दोबारा आयकर छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए इन सभी संस्थाओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन हेतु फॉर्म 10 भरना होगा। इन संस्थाओं के लिए फॉर्म 10 भरने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 निर्धारित की गई थी। अब इस तिथि को बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया। कुछ संस्थाओं द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है कि यह संस्थाएं अभी भी फॉर्म 10A के द्वारा अपने आयकर छूट प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं करा पाई हैं। इन संस्थाओं की समस्याओं पर विचार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संस्था द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म की तारीख के समय को बढ़ा दिया गया है। इस अवसर पर आयकर अधिकारी RS सरोज, सहायक आयकर आयुक्त सूर्यकांत मिश्रा, यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव PS पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार रुंगटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लखनऊ रेंज के अपर आयुक्त ऋचा रस्तोगी ने कहा, अपने विचार को रखें। हम लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण है कि एग्जेम्पशन के पॉइंट पर जो है, हम लोग बहुत कुछ पुस्तकों में पढ़ते थे, लेकिन आज हम लोगों के बीच रस्तों की सराही है और ये हम लोगों को सभी बिंदुओं पर स्पष्ट है, हम लोगों का बीच क्लियर हो, हम लोग अपनी बातें अच्छी तरह से रख सकते हैं और इस सर हमको स्पष्ट करेंगे। स्वागत करता हूँ और बस इतना कह सकता हूँ कि इस तरह का इंटरेक्शन वॉज लॉन्ग ड्यू, बहुत दिन से इस तरह का इंटरेक्शन जरूरी था। एग्जेम्पशंस के मैटर्स पे काफ़ी जो है वो वैक्यूम, एक जैसा बोला हमारे कलीग ने कि काफ़ी वैक्यूम था और प्रैक्टिकल दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से हम सभी करते जाते हैं, वैलिडेट करते जाते हैं, आगे बढ़ गया तो सही है, नहीं आगे बढ़ा, नहीं एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, खाली इसी कंसेप्ट पर चल रहे हैं तो चेंजेस हो रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, नए सर्कुलर्स आते हैं एंड आई एम हैप्पी टू मेक अवेयर द टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग द रीसेंट चेंजेस। काफी दिन से ये हमारा प्रोग्राम जो था, हम सोच रहे थे हम आप तक पहुंचे, क्योंकि जब आप हमारे दफ्तर पहुंचते हैं तो एक या दो लोग ही होते हैं जो पहुंच पाते हैं, पर जब दफ्तर आपके डोर स्टेप पे आता है तो डेफिनेटली वो एक ऐसा माहौल होता है जिससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो सकती है। तो इसी उद्देश्य के साथ कि अगर कोई गैप है, अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है हमारे और आपके बीच में, और एग्जेम्पशन के जो प्रोविजन्स हैं वो थोड़े से टिपिकल प्रोविजन्स हैं और इधर बीच जो भी फाइनेंस एक्ट के संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं एग्जेम्पशन प्रोविजन्स में, तो हमें लगा ये आउटरीच प्रोग्राम बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इसीलिए हम लखनऊ से यहाँ तक आए और हमें ये अपना पूरा विश्वास है कि आप लोगों का पूरा साथ मिलेगा हमें और जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य को हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। CBTT ने अभी हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जो कि 1 नवंबर 2022 को जारी हुआ है, जिसमें कि उन्होंने फॉर्म 10A के आवेदन की तिथि जो अभी तक 31 मार्च 2022 थी उसको बढ़ाकर 25 नवंबर 2022 कर दिया। तो जो भी संस्थाएं जो कि 10, 23C या 80G या 12AB में रजिस्टर्ड, 12AAA में रजिस्टर्ड थी, वो जिस भी तरीके से अगर अपना एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए दोबारा से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई थी, उन सभी संस्थाओं को उन्होंने एक अतिरिक्त टाइम दिया है और ये टाइम 25 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। तो हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हर एक इंसान, मतलब हर एक जगह पे और हर एक लोगों के साथ ये पहुँचे, ये संदेश पहुँचे कि CBTT ने अपने फॉर्म 10A के आवेदन की तिथि को बढ़ाया है ताकि वो उसका लाभ उठा सके और एग्जेम्पशन को ठीक प्रकार से क्लेम कर सके। मैम, लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है?
लोगों को जागरूक करने के लिए हम जगह जगह जाकर अपने आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं और इस आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम उन्हें एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे इस तिथि को बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर और भी प्रिंट मीडिया और मीडिया से हम हेल्प ले रहे हैं ताकि इस चीज़ को, इस संदेश को हम जनमानस तक पहुँचा सकें।